लाहौर की फिजा पी जहरीली स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन, ऑफिस कमर्शियल जनरेटर और तामीराती कामों पर पाबंदी। चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। खुले मकामात पर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी के छिड़काव के बगैर झाड़ू नहीं लगेगी। पाबंदियां 4 नवम्बर तक जारी रहेंगी। स्पेशल बच्चों के स्कूलों में आज से छुट्टी, जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों पर भी गौर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, 8 खारजी जहनुम वासिल 7 जख्मी। ISPR ने बताया कि फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हुए। शहदा में नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक खजन फराबाद शामिल। इलाके में मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। 31 साल मेजर आतिफ शहीद का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। 36 साल नाइक आजादुल्ला शहीद का ताल्लुक जिला कर्क और 35 साल लांस नाइक खजन फराबाद का ताल्लुक जिला लैया से है। बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्ज़ाम गलत हैं। कई बार बता चुका हूँ अमरीका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत के फैसले वहाँ के लोग अपने आइन के मुताबिक करते हैं। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय उसी दाखिला के मुलव्वस होने के कैनेडा के इल्ज़ाम पर तर्जुमान ने कहा कि कैनेडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम तशवीशनाक हैं। कैनेडा की हुकूमत से मुशावरत जारी रखेंगे। उम्मीद है चंद घंटे में जंगबंदी हो जाएगी। निकरा लबनानी उसी रासम का हम बयान। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि 60 रोजा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुजवजा मुसविदे के तहत इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुलाए। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। जंगबंदी मुजवजा मुसविदे में इसराइल और लबनान से अकवाम मुत्तहदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसराइल लबनान जंगबंदी से मुतालिक रिपोर्ट और मुसविदे जेरे गर्दिश हैं। जंगबंदी से मुतालिक रिपोर्ट मौजूदा मुजाकरात की अक्कासी नहीं करती। एक तरफ जंगबंदी की बातें, दूसरी जानिब दहशत गर्द इसराइल के हमले। जुनूबी लबनान पर बमबारी से 45 अफराद शहीद, दर्जनों घर मलिया में। गजा में सफाक इसराइल की बर्बरियत जारी है। शुमाली गजा में बैतुल्लाहिया पर इसराइली बमबारी से मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया मलबे का ढेर बन गया। हर तरफ तबाही, जिंदगी के कोई आसार ना बचे। खुराक और पानी की शदीद किल्लत, लोग भूख से मरने लगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। दोनों उम्मीदवारों के स्विंग स्टेट में हिमायत के लिए ताबड़तोड़ दौरे। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों स्विंग स्टेट के इलेक्शन पोल में किसी को वाजे बरतरी हासिल नहीं है। कमला हैरिस के इंतखाबी रैली से खिताब, कहा कि ट्रंप अमरीकी आवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहता है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेस एसोसिएशन के वफूद भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान, कहा कि कतर के साथ तामीरी बातचीत के मुंतजर हैं। ममालिक में ताल्लुक मजीद फरोग देने पर बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।